हेलो दोस्तों, फिल्म साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए दोस्तों, थर्मोडायनेमिक जो होता है दो वर्ड से बना हुआ है। पहला जो वर्ड हो गया थर्मो, हीट एनर्जी, और दूसरा वर्ड हो गया डायनेमिक यानी मूवमेंट। तो थर्मो हो गया हीट एनर्जी, और दूसरा वर्ड हो गया आपका डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी आपका पार्टिकल का हम लोग कितना वो मूव कर पाता है, कितना वो हीट आपका जनरेट कर पाता है, तो हम लोग देखेंगे पूरे आपका थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, तो इसका हम लोग नाम देंगे आपका सिस्टम। यानी कि जिस चीज को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट या स्टडी कर रहे हैं, उसका हम लोग क्या नाम देंगे? सिस्टम। जो भी चीज दुनिया में हम लोग, यूनिवर्स में हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम हो गया। अपार्ट फ्रॉम सिस्टम जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? सराउंडिंग। अब देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी आता है इंटेंसिव। इंटेंसिव जो भी आपका इन, यानी कि आपका आ जाएगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, तो ये इसमें आपका क्या एग्जांपल आ जाएगा? टेम्परेचर, प्रेशर, और जितने भी स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वो सब आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। स्पेसिफिक क्योंकि आपका पर के मास में डिफाइन होता है, इसलिए सारे स्पेसिफिक जो रहेंगे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव जो होगा डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास, वॉल्यूम हो गया। तो जो भी चीज आपका मास पे डिपेंडेंट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मो डायनेमिक्स। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स का जो हम लोग पहला से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक। तो देखिए जीरो लॉ बोलता है कि टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और बी अगर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है, एंड इफ वी अटैच अनदर बॉडी सी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आफ्टर सर्टेन टाइम ऑल आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर टू बॉडी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर हमारा टू बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम थर्ड बॉडी को अटैच करते हैं, तो आफ्टर सर्टेन टाइम ऑल विल बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देखते हैं आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एफिलोटी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स। तो देखिए फर्स्ट लॉ बोलता है एनर्जी जो रहेगा आपका यूनिवर्स का वो कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स विल कंजर्व। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ का बताता है Q इज इक्वल टू
टू प्लस डब्ल्यू। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कहते हैं तो यहां पे आपका बोलता है इंट्रोपी ऑफ इनवर्ट ऑलवेज इंक्रीज, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज। अब सारे चीज को समझते हैं तो इंट्रोपी अगर कोई पूछा कि व्हाट इज इंट्रोपी, अच्छा ये इंट्रोपी है क्या, तो ये बोलता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस। आखिर ये पूछा जाए क्या कि ये रैंडमनेस क्या है, व्हाट इज रैंडमनेस। तो देखिए रैंडमनेस जो होता है आपका कितना वो डिसऑर्डर्ड है, कितना वो डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर क्या होता है, जो आपका ऑर्डर में नहीं हो। जैसे सब एग्जांपल के साथ सीखते हैं, अगर हम माचिस की तीली लेते हैं या कोई भी सिस्टम लेते हैं जो आपका एक ऑर्डर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हम लोग बोलेंगे कि आपका ऑर्डर है। बट जैसे ही आपका इवोल्यूशन होता है, आपका जो अर्थ हो गया यूनिवर्स जैसे ही एक्सपेंड करता है, अब ये जो ऑर्डरनेस है वो ब्रेक होने लगता है। तो जब ऑर्डरनेस ब्रेक हुआ तो ये आपका लीड टुवार्ड्स मोर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर या बोल सकते हैं पैटर्न ऑफ ऑर्डरनेस ऑलवेज चेंज एंड लीड मोर डिसऑर्डर पैटर्न, मोर डिसऑर्डर पैटर्न। तो टोटल एंट्रोपी जो रहेगा आपका इनवर्स का हमेशा इंक्रीजेज, इनवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज। फिर एक और डेफिनेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, आपका हीट या एनर्जी कैन नॉट फ्लो फ्रॉम, हीट या एनर्जी कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर अनटिल एंड अनलेस वी प्रोवाइड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि हमेशा आपका क्या होगा, हाई फ्लो में प्रोवाइड करेगा, ऐसे लिख सकते हैं ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई फ्लो या हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर डेटेनेस वी प्रोवाइड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड लॉ तो हमने नहीं देखते हैं दोस्तों, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे आपको बताता है कि एंट्रोपी जो रहेगा ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट टी टेंस टू जीरो, आपका जो एंट्रोपी रहेगा वो जीरो की ओर मूव करेगा। तो व्हेन टी टेम्परेचर अप्रोचेज जीरो केल्विन फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सिस्टम एंट्रोपी अप्रोच टू जीरो।
देखा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, हीट हीट एंड एंड मूवमेंट मूवमेंट की की बात बात करेगा, करेगा, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स रहेगा, रहेगा, इतना इतना मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स मूव मूव करता करता है। है। ओपन ओपन सिस्टम सिस्टम में में एनर्जी एनर्जी और और मैटर मैटर दोनों दोनों ट्रांसफर ट्रांसफर होगा। होगा। क्लोज क्लोज सिस्टम सिस्टम में में आपका आपका एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफर और और मैटर मैटर ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं नहीं होगा। होगा। और और आइसोलेटेड आइसोलेटेड में में नेदर नेदर मास मास नेदर नेदर एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर। ट्रांसफर। सिस्टम सिस्टम सराउंडिंग सराउंडिंग जो जो भी भी हम हम लोग लोग कंसिडर कंसिडर करेंगे करेंगे सिस्टम सिस्टम अपार्ट अपार्ट फ्रॉम फ्रॉम सिस्टम सिस्टम इज इज सराउंडिंग। सराउंडिंग। इंटेंसिव इंटेंसिव इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑफ मास। मास। आप आप देखिए देखिए किसी किसी भी भी चीज चीज का का रेशियो रेशियो भी भी ले ले लें, लें, जैसे जैसे कि कि डेंसिटी, डेंसिटी, मास मास अपॉन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम, आपका आपका इंटेंसिव इंटेंसिव कहलाता कहलाता है। है। जो जो भी भी चीज चीज आपका आपका मास मास से से इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा होगा आपका आपका इंटेंसिव इंटेंसिव कहलाएगा। कहलाएगा। फिर फिर आपका आपका एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव आपका आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम, जो जो भी भी चीज चीज आपका आपका मास मास पे पे डिपेंड डिपेंड कराएगा कराएगा आपका आपका एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव एनर्जी, एनर्जी, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। हाँ हाँ पे पे बेस बेस कर कर सो, सो, जो जो भी भी चीज चीज आपका आपका मास मास पे पे डिपेंडेंट डिपेंडेंट है है आपका आपका एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव कहलाएगा। कहलाएगा। हीट, हीट, ऑल ऑल थिंग थिंग डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन ऑन मास मास आपका आपका एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। लॉ लॉ ऑफ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स जीरो जीरो टू टू व्हाट व्हाट इज इज थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट अटैच अटैच अनदर अनदर बॉडी, बॉडी, इट इट कॉल्स कॉल्स इन इन द द इन इन द द जीरोथ जीरोथ लॉ लॉ ऑफ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। फिर फिर आपका आपका आया आया एपिलोटिव, एपिलोटिव, टोटल टोटल एनर्जी एनर्जी ऑफ ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्स विल विल कंजर्व कंजर्व सिस्टम सिस्टम सराउंडिंग, सराउंडिंग, आपका आपका कंजर्व कंजर्व आएगा आएगा क्यूज़ क्यूज़ इक्वल इक्वल टू टू प्लस प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू। फिर फिर हम हम लोग लोग लोगों लोगों ने ने देखा देखा सेकेंड सेकेंड लॉ, लॉ, एंट्रोपी एंट्रोपी और और डिक्रीजेज डिक्रीजेज और और डिसऑर्डरनेस डिसऑर्डरनेस हम हम लोगों लोगों ने ने सीखा। सीखा। फिर फिर हम हम लोग लोग देखे देखे थर्ड थर्ड लॉ लॉ ऑफ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स फॉर फॉर परफेक्ट परफेक्ट क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सब्सटेंस जो जो केल्विन केल्विन अप्रोचेस अप्रोचेस आपका आपका जीरो जीरो एंट्रोपी एंट्रोपी को को फॉलो फॉलो करता करता है। है। तो तो थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। आपको आपको कोई कोई भी भी क्वेरी क्वेरी हो हो तो तो हम हम लोग लोग से से फॉलो फॉलो करके करके डिस्कस डिस्कस करेंगे। करेंगे। वी वी विल विल आंसर आंसर योर योर ऑल ऑल योर योर क्वेरी। क्वेरी। गुड गुड डे। डे।